हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। लास्ट सेशन में हमने नैरो व्यू किया एंड आज हम अपने इस सेशन में जो स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है इसका ब्रॉडर व्यू करेंगे। जो स्कोप है हम इसको टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, नैरो व्यू एंड ब्रॉडर व्यू। जो नैरो व्यू है वो किससे डील करते हैं? ओनली एंड ओनली एग्जेक्टिव ब्रांच से डील करते हैं। जबकि जो ब्रॉडर व्यू है ये बहुत ही ज्यादा ब्रॉडर है, बहुत ही ज्यादा वाइड है। आज के टाइम में स्टार की जितने भी फंक्शंस इंक्रीज हुए हैं वो सभी के सभी इसमें इंक्लूड किए गए हैं। दैट्स व्हाई वी कॉल इट इज द इंटेग्रल व्यू। तो वो मैनेजरल व्यू था, ओनली एंड ओनली मैनेजर जो फंक्शन करते थे उसी को हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्कोप में इंक्लूड करते थे। एंड ब्रॉडर व्यू क्या कहते हैं? इट इंक्लूड्स द एक्टिविटीज ऑफ ऑल थ्री ब्रांचेस। नैरो में क्या थे? ओनली एग्जेक्टिव ब्रांच, लेकिन इसमें लेजिस्लेचर, एग्जेक्टिव एंड जुडिशरी, हम तीनों ब्रांचेस की बात करती हैं, इनकी एक्टिविटीज को इंक्लूड करती हैं। आज के डेमोक्रेसी कंट्रीज में, इंडिया जैसी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का स्कोप बहुत ही ज्यादा इनलार्ज हो चुका है। तो इट डील्स विद द प्रोसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन वर्क करता है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने से लेकर सोशल वेलफेयर, लॉ जस्टिस मेंटेन करना, एजुकेशन प्रोवाइड कराना, ये सब फंक्शन किस में इंक्लूड हो चुके हैं? एडमिनिस्ट्रेशन में इंक्लूड हो चुके हैं। तो इन सब प्रोसेस के साथ कौन डील करते हैं? ब्रॉडर व्यू करता है, जिसको हम इंटेग्रल व्यू कह रहे हैं। तो जो इंटेग्रल व्यू है ये स्कोप को टू पार्ट्स में डिवाइड करता है। फर्स्ट वन इज एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी, नंबर टू इज अप्लाइड एडमिनिस्ट्रेशन। तो पहले हम करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरीज के मीनिंग क्या है। एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरीज मीनिंग एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने के लिए कौन कौन सी थ्योरीज हैं जिसको हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्कोप में इंक्लूड करते हैं। तो इट इंक्लूड्स द स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शंस एंड मेथड्स ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ पब्लिक अथॉरिटी। तो कितना कुछ इन्होंने इन लाइंस में कह दिया। स्ट्रक्चर, कैसे ऑर्गेनाइजेशन है, कैसे उसका स्ट्रक्चर है, हायरार्की है, इन सबको इंक्लूड करना, वो कैसे काम करती है। तो जो पब्लिक अथॉरिटी है, हमारे डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स है, उनको अचीव करने के लिए कैसे काम करेगी, उन सब एक्टिविटीज को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्कोप में इंक्लूड किया गया है। तो मेथड्स ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ पब्लिक अथॉरिटी इंगेज इन द एडमिनिस्ट्रेशन एट एवरी लेवल, सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल लेवल्स। तो हम डिसेंट्रलाइजेशन की बात कर रहे हैं, अपर से लेकर लोअर लेवल तक कैसे हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करेंगे। तो इसके लिए जो पब्लिक अथॉरिटी है, एडमिनिस्ट्रेटिव है, वो कैसे वर्क करती है, इन सब को एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी में जो इंटेग्रल व्यू है इसमें इंक्लूड किया गया है। तो इस तरह इट कवर्स द प्लानिंग, प्रोग्रामिंग, रिक्रूटमेंट, रिसर्च, इंफॉर्मेशन, हर एक एस्पेक्ट को इंक्लूड करी है। प्लानिंग, प्रोग्रामिंग, रिक्रूटमेंट, कैसे स्टाफिंग करनी है, कैसे ट्रेनिंग देनी है, कैसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, अबाउट पब्लिक रिलेशन सर्विसेज, को जो पब्लिक है, पब्लिक को कौन कौन सी सर्विस चाहिए, इनके रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, सुपरविजन करनी है, फाइनेंशियल कंट्रोल है ओवर द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज, हर एक एस्पेक्ट को इसमें इंक्लूड किया गया है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी है जी भी क्या डिफाइन करती है, एवर वाइडनिंग स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो जी थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स की स्टडी करती है। तो जी हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरीज। एंड उसके बाद जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है इसकी थ्योरी के साथ साथ हम इसको एक्शन गवर्नमेंट भी कहते हैं, इसको अप्लाइड भी किया जाता है। तो अप्लाइड एडमिनिस्ट्रेशन है जी क्या करते हैं, जो भी एक्शन गवर्नमेंट है, जैसे भी पॉलिसीज को फॉर्मुलेट किया गया है, तो उसको कैसे इन रियलिटी में कन्वर्ट करना है, अप्लाई के साथ, एप्लीकेशन के साथ रिलेटेड बन जाती है। तो अब करते हैं अप्लाइड एडमिनिस्ट्रेशन।
अप्लाइड एडमिनिस्ट्रेशन में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कौन कौन सा स्कोप है जिसमें इंक्लूड किया गया है। फर्स्ट वन इज इट इंक्लूड्स एस्टैब्लिशमेंट ऑफ हेल्थी रिलेशंस बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट्स। जी कहती है अगर आप पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना चाहते हो तो जो हमारे ड्रीम्स हैं इसको रियलिटी में कन्वर्ट करना चाहते हो तो बहुत जरूरी है जो लॉ फॉर्मुलेट करती है एंड जो लॉ इम्प्लीमेंट करती है इन दो डिपार्टमेंट्स में हेल्दी रिलेशंस होने चाहिए, इनका एटमॉस्फेयर अच्छा होना चाहिए, इनमें इंटर रिलेशंस होने चाहिए। अगर जो इंटर रिलेशंस होंगे जो पॉलिसीज को फॉर्मुलेट कर रहे हैं तभी तो अच्छे से इंप्लीमेंट कर सकेंगे। अगर फॉर्मुलेशन वाली ब्रांच डिफरेंट होगी, इम्प्लीमेंटेशन वाली ब्रांच डिफरेंट होगी, इनमें कोऑर्डिनेशन नहीं होगा। पॉलिसीज क्या फॉर्मुलेट होती हैं और इम्प्लीमेंट डिफरेंट होती हैं, इसीलिए इनमें कोऑर्डिनेशन की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसमें क्या कहा गया है, इट इंक्लूड्स द असिस्टिंग द एग्जीक्यूटिव इन डाटा कलेक्शन फॉर इंट्रोड्यूसिंग बिल्स। मीन अब लेजिस्लेटिव है, एग्जीक्यूटिव है, इनों में क्या करना है, डाटा कलेक्ट कर पॉलिसी फॉर्मुलेट करनी है। तो एग्जीक्यूटिव को असिस्ट करना ताकि डाटा कलेक्ट हो सके और उसके बाद लेजिस्लेचर लॉ बना सके। एंड जैसे डाटा कलेक्ट होने के बाद हम बजट को प्रिपेयर करते हैं। बजट प्रिपेयर कहाँ किया जाता है, जो एग्जीक्यूटिव के डिपार्टमेंट्स हैं। तो बजट प्रिपरेशन है वो भी किसमें इंक्लूड होती है, अप्लाइड साइंस में होती है। तो इस तरीके कह रहे हैं हर एक मैटर में असिस्ट करना, तो इन दोनों की जो कोऑर्डिनेशन है बहुत जरूरी है जिससे हर एक फंक्शन अच्छे से वर्क होगा। तो जी हो गया अप्लाइड एडमिनिस्ट्रेशन। जो अप्लाइड एडमिनिस्ट्रेशन है इसका स्कोप बहुत ज़्यादा वाइड है। इसको वॉकर ने क्लासिफाइड किया है इन 10 डिफरेंट मैटर्स। तो जो इसकी क्लासिफिकेशन है वो क्या है, फर्स्ट इज पॉलिटिकल। जी कहती है एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव रिलेशनशिप, जैसे हम कहते हैं एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट्स में रिलेशनशिप होना चाहिए। तो जो कैबिनेट मिनिस्टर्स है वो लेजिस्लेटिव का पार्ट है, लेकिन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए भी पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में वो रिस्पॉन्सिबल होती है। तो लेजिस्लेचर का पार्ट होते हुए भी एग्जीक्यूटिव है, कैबिनेट कैसे पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करती हैं, कैसे इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, जी सब स्टडी हम किस में करते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में करते हैं। लेजिस्लेशन का मीनिंग है लॉ बनाया जाना, तो लॉ तो लेजिस्लेचर बनाती है, लेकिन रियलिटी में जो पार्लियामेंट में लॉ बनाए जाते हैं उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि लॉ के हर एक ड्राफ्टिंग है वो खुद कर सके। तो इसीलिए जो पार्लियामेंट है उसमें ओनली एंड ओनली आउटलाइनिंग होती है, सिर्फ रूपरेखा तैयार की जाती है। जो इसमें एक एक स्टेप को भरने का काम है, लिखने का काम है, वो कौन करती है, एग्जीक्यूटिव करती है, जिसको हम डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कहते हैं। तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की स्टडी में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में की जाती है। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, तो फिजिकल एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है, कौन कौन सी सरकार पॉलिसीज फॉर्मुलेट करती है, कैसे मॉनेटरी पॉलिसी है, फिस्कल पॉलिसी है, कमर्शियल पॉलिसी है, इनमें कोऑर्डिनेशन क्रिएट करती है, बजट तैयार करती है, बजट के कौन सी टेक्निक को अडॉप्ट करती है, इन सब सब्जेक्ट्स को हम अप्लाइड एडमिनिस्ट्रेशन में स्टडी करते हैं। देन डिफरेंस, जिसको हम मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं वो भी क्या है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ही मेन सब्जेक्ट है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना जी एशियन टाइम से ही मेन वर्क रहा है, तो आज के टाइम में भी डिफेंस है, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन है जी, इसके एडमिनिस्ट्रेशन में इसके स्कोप में इंक्लूड होता है। देन एजुकेशनल, मीनिंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, प्राइमरी एजुकेशन आज के टाइम में सोसाइटी में सब लोगों को फ्री दे रहे हैं, इसका पर्पस क्या है, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ कंपल्सरी एंड फ्री एजुकेशन। तो इसीलिए जो फ्री एजुकेशन है प्राइमरी तक, या सेकेंडरी एजुकेशन इंक्रीज करना, उसके बाद जो टर्सरी एजुकेशन है, वोकेशनल एजुकेशन है, आईटी सर्विस है, इन सब के सर्विसेज को, एजुकेशन को एक्सपेंड करना आज के टाइम में गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव्स है। तो एजुकेशनल एस्पेक्ट्स की स्टडी भी कहाँ की जाती है,
पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में की जाती है। सोशल मीनिंग सोशल एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें सोसाइटी के साथ रिलेटेड हर एक एस्पेक्ट को इंक्लूड किया जाता है। सोशल फील्ड में इसको इंक्लूड करते हैं जैसे हाउसिंग, सोशल सिक्योरिटी, ये सब क्या है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पर्पस है। कैसी एम्प्लॉयमेंट मिलेगा जिससे हमारी सोशल सिक्योरिटी रहेगी। अगर मैं अनएम्प्लॉयड हूँ, अनएम्प्लॉयड अलाउंसेस दिया जाए, ओल्ड एज पेंशन दी जाए, ओल्ड एज होम है वो ओपन किए जाए, ये सब किसके पार्ट बन चुके हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट बन चुके हैं। देन इकोनॉमिक मीनिंग बिजनेस, इंडस्ट्री रन करनी है, एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप करना है, सर्विस सेक्टर को एक्सपेंड करना है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ही तो स्कोप है। फॉरेन ट्रेड, कॉमर्स, इंटरनेशनल रिलेशन, ट्रेड, ये सब कुछ इकोनॉमी में ही इंक्लूड होते हैं। इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होना चाहिए, सरकार की टैक्सेशन पॉलिसीज कैसी हैं, सब्सिडी कैसे देती है, कैसे अपनी कंट्री में ट्रेड को प्रमोट करती है। नेक्स्ट इज फॉरेन एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें हम इंटरनेशनल कोऑपरेशन, इंटरनेशनल ट्रीटीज हैं, इंटरनेशनल पीस है कैसे क्रिएट करते हैं, इवन की डिप्लोमेसी है जिससे हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को अचीव कर सकते हैं, नेशनल पावर है, ये सब कौन से सब्जेक्ट बन चुके हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बन चुके हैं। एंड नेक्स्ट इज इम्पीरियल मीनिंग, जो इम्पीरियल टेंडेंसी है जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हम भी ब्रिटिशर की कॉलोनी रहे हैं, तो ब्रिटिशर क्या था, इम्पीरियल कंट्री, और हम क्या थे, कॉलोनी। प्रॉब्लम्स एंड टेक्निक्स ऑफ इम्पीरियल डोमिनेशन ओवर अदर नेशंस, हम ये मानते हैं कि इम्पीरियल कंट्री का एक्सपैंड नहीं होना चाहिए, किसी कंट्री को कॉलोनी नहीं बनाना चाहिए इम्पीरियल, तो जो इम्पीरियल एडमिनिस्ट्रेशन की स्टडी करते हैं। एंड लास्ट वन इज लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी जितनी भी नीड्स हैं वो लोकल बॉडीज के थ्रू कवर होती है। अगर हम विलेजेस में रहते हैं, विलेज लेवल पर सरपंचेस हैं, एंड अगर हम सिटीज की बात करते हैं, सिटीज में म्यूनिसिपल काउंसिल्स हैं, तो इस तरह लोकल लेवल तक, लोकल बॉडीज तक एडमिनिस्ट्रेशन कैसे रन करना है, क्या क्या उनके फंक्शन होने चाहिए, क्या क्या उनके पावर्स हैं, कौन कौन से ग्रांट्स हैं उनको दे जानी चाहिए, ये सब कुछ क्या है, अप्लाइड एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है। मीनिंग ये किसका पार्ट बन चुका है, इंटेग्रल व्यू का, ब्रॉडर व्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो ये व्यू है ये डिफाइन करता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, इसका स्कोप बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो चुका है। तो जो इस व्यू है, इस व्यू की क्या इम्पोर्टेंस है, तो इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रॉडर व्यू ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो जे क्या डेमोन्स्ट्रेट करती है, इंक्रीज एंड स्टिल इंक्रीजिंग स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। जो हम डिमांड कर रहे थे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, इसका स्कोप हम कैसे डिफाइन करें, क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तो इसका स्कोप है टाइम के साथ इंक्रीज होता जा रहा है, सरकार के फंक्शन से इंक्रीज होते जा रहे हैं, वेलफेयर स्टेट है, हर एक एक्टिविटी में ची इन्वॉल्व है, तो जे इस चीज को, हमारी ची डिमांड को फुलफिल कर रही है, इट डेमोन्स्ट्रेट द इंक्रीज एंड स्टिल इंक्रीजिंग फंक्शंस ऑफ इंक्रीजिंग स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इट आल्सो इंक्लूड्स द इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ह्यूमन के साथ साथ इकोलॉजी का भी बहुत इंपॉर्टेंस है, जे इन्वायरमेंट को ड्यू इंपॉर्टेंस देती है, क्लाइमेट चेंज है, जे भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ही पार्ट है। इट इन्वॉल्व्स ऑल एक्टिविटीज इन द अटेनमेंट ऑफ गुड एंड हैप्पी लाइफ, सोशल लाइफ हमारी प्रोस्पर हो, इसके लिए क्या क्या काम होने चाहिए ब्रॉडर व्यू के अंदर इंक्लूड किए गए हैं। इट कवर्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल लाइफ फ्रॉम कार्डल टू द ग्रेव, एक बच्चे के बर्थ से लेकर उसके डेथ तक जितनी भी एक्टिविटीज हैं, इन सब में कौन इन्वॉल्व है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व है। जब भी बच्चे का जन्म होता है तो बर्थ सर्टिफिकेट आपको कहाँ से मिलेगा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के। जब किसी की डेथ हो जाती है तो उसके फैमिली मेंबर्स को डेथ सर्टिफिकेट चाहिए, वो भी किससे मिलते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से। बर्थ से लेकर इन बिटवीन हमारे जितने भी काम हैं, वो सब काम कौन करता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन करती है। हमें डेली किसी ना किसी वे से, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे से, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से काम होता रहता है। तो जे इन सब एस्पेक्ट्स को इंक्लूड करती है,
It involves all operations of government concerned with making and implementation of public policies. Public policies कैसे बनाया गया है, कैसे implement किया गया, जिस सब concepts हैं broader view में include हो चुके हैं, जिसको हम public administration के scope में include करते हैं. तो broader view बहुत ही ज़्यादा important है, जिसका scope ever widening है. तो हम इसको कैसे conclude कर सकते हैं? Conclusion of broader view of public administration. तो इसमें two theories दी गई हैं, administrative theory and applied administration. तो क्या जो दोनों पर different हैं? नहीं, these two theories are not contradictory. क्योंकि आज के time में जो public administration है, state के functions है, इतने overlap हो चुकी हैं कि हम इनको separate नहीं कर सकते हैं. तो हम इन दोनों theories को भी separate नहीं कर सकते हैं. जो एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी है हमको बेस देती है एंड जो अप्लाइड एडमिनिस्ट्रेशन है इसके बेस के ऊपर काम करती है. एंड इट रिप्रेजेंट द कॉम्प्रिहेंसिव स्कोप, इट रिप्रेजेंट द एक्शन गवर्नमेंट कैसे रियलिटी में अपने ड्रीम्स को कवर करती है, कैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो भी ऑब्जेक्टिव जो भी गोल डिटर्मिन करती है इसको कैसे फुलफिल करती है, ये सब कुछ एक्शन गवर्नमेंट में इंक्लूड होता है, जिसको ब्रॉडर व्यू अच्छे से स्टडी करता है. इट फेवर्स टू मेक डायनामिक एंड प्रोग्रेसिवली एस्टैब्लिशिंग रिलेशंस विद नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड एसोसिएशंस. तो ये फेवर करती है कि आज के टाइम में डायनामिक टाइम के साथ चेंज होते हैं, रिलेशन चेंज होते हैं, कैसे प्रोग्रेसिव हमारे रिलेशन कन्वर्ट हो रहे हैं, कैसे बैलेंस ऑफ पावर से कलेक्टिव सिक्योरिटी से हम आगे बढ़ चुके हैं, कैसे आज के टाइम में इंटरनेशनल रिलेशंस या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है हमको इसका पार्ट बनना चाहिए, कैसे समिट्स का पार्ट बनते हैं, कैसे इनकी एग्जिस्टेंस है, कैसे ये हमारी सरकार की पॉलिसीज हैं इनको इन्फ्लुएंस करती है, हम कैसे अपने ऑब्जेक्टिव अचीव करते हैं, नेशनल इंटरेस्ट को हमको फुलफिल करना है, इन सब को ये फेवर करती है. तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो इंटेग्रल व्यू है बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड व्यू है, जो सरकार की स्टेट की एडमिनिस्ट्रेशन के एवर इंक्रीजिंग रोल को एक्सेप्ट करती है. तो वे दिस हमारा स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है जी कंप्लीट होते हैं. होप सो कि आपको जी सेशन अच्छा लगा होगा. अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट कमेंट बॉक्स एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स. थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे.